एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक, ग्लैम न्यू ईयर मेकअप लुक, जो कि मैंने किया है बीबी पॉन्ड्स की क्रीम से। बहुत ही अच्छा मेकअप लुक आया है और मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैंने किया है अपनी स्किन को टोनिंग। टोनिंग मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़रूरी होती है विंटर्स में भी, समर्स में भी। तो मैंने किया है गुलाब जल से अपनी स्किन को टोनर, और अच्छी से मैंने इसे टैप टैप करके अपनी स्किन पर लगा लिया है। और अब मैं यूज़ करूँगी गुड वाइब्स का मॉइस्चराइज़र, एलोवेरा जेल का मॉइस्चराइज़र है ये, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। तो इसे सारे फेस पर अपने इस तरीके से लगा लेंगे और अच्छी से इसे एब्जॉर्ब होने तक एक मसाज देंगे अपने फेस पर, और अपने नेक पर भी इसे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे ताकि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट हो जाए इससे। उसके बाद मैं अपने लिप्स के लिए लिप बाम का यूज़ करूँगी। ये लिप बाम मैंने खुद बनाया था, जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। और अब मैं लगा रही हूँ प्राइमर, गुड वाइब्स का प्राइमर है ये। इसे ओपन पोर्स को ये फिल कर देता है और एक अच्छा आपको बेस मिलता है इसे लगाने से। और अब मैं अपने डार्क एरियाज़ को कवर करूँगी 303 से। अंडर आइज़ जो भी डार्क एरिया आपके है और लिप्स के पास भी, आप अच्छे से इसे लगा सकते हैं इस तरीके से, अपनी फिंगर से हल्के से इसे फैलाते हुए अपने एरियाज पर लगाएंगे। और मैं यूज़ कर रही हूँ बेबी पॉन्ड्स क्रीम का। पॉन्ड्स की बेबी क्रीम बहुत ही अच्छी है ये, बहुत अच्छा इसका एक बेस बनाऊंगी मैं, आप देखना। इस तरीके से अपने फेस पर आप डॉट डॉट करके अप्लाई करेंगे, पहले पूरे फेस पर और अपने नेक एरिया पर भी इसे लगाएंगे। मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी रख रही हूँ क्योंकि मुझे ग्लैम मेकअप लुक करना है, थोड़ा सा मुझे हाइट अपना बेस बनाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में इसे यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से इसे ब्लेंड करेंगे, आप ब्लेंडिंग ब्रश से भी कर सकते हैं या ब्लॉन्डर से भी कर सकते हैं, वेट करके आप ब्लॉन्डर यूज़ करें, बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है। अपने आईज़ पे मैं करूँगी यूज़ NYB के कंसीलर का, और अपने हाइलाइटिंग एरियाज़ पर भी मैं इसे अप्लाई करूँगी, आईज़ के नीचे, नोज़ पर, फोरहेड पर, अपने हाइलाइटिंग एरियाज पर भी इसे इस तरीके से लगाएंगे और इसे भी अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे। ब्रश का यूज़ करूँ मैं ब्लेंड करने के लिए। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा फाइन हो रखा है, बहुत ज़्यादा वाइट हो रखा है, बट थोड़ा टाइम बाद ये अपने आप ही सेट हो जाता है। बहुत अच्छी से बेस बना था और मैं ये लूज़ पाउडर का यूज़ करूँगी अपने कंसीलर को सेट करने के लिए। जहाँ भी कंसीलर आपने अप्लाई किया है वहीं पर लूज़ पाउडर लगाएंगे और अपने बेस को सेट करेंगे इस तरीके से। ब्रो पेंसिल का मैं यूज़ करूँगी अपने आईब्रोज़ को फिल करने के लिए, डिफाइन करने के लिए। इस तरीके से एक शेप बना लेंगे अपनी आईब्रोज़ की। लिपस्टिक का मैं यूज़ करूँगी अपने आई शेडो के लिए। तो अपनी आईलिड पर मैं ये लिपस्टिक का शेड लगा रही हूँ, बहुत ही अच्छा शेड है ये। पिंक शेड आपको नज़र आ रहा है बट ये थोड़ा ब्राउन शेड में है। तो इस तरीके से आईलिड पर लगाएंगे और अपनी फिंगर से इसे हम
और इसके साथ ही मैं सिल्वर कलर की ग्लिटर का भी यूज़ करूँगी ताकि मुझे एक अच्छी सी शाइन मिले अपनी आई शेडो पर। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आया है आई शेडो का। ग्लिटर मैंने यूज़ किया है सिल्वर और ब्राउन शेड का मिक्स करके, और अब मैं यूज़ करूँगी मिस रोज़ की पैलेट से ब्रॉबन को डिफाइन करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए वाइट कलर का। सेम लिपस्टिक से मैं अपनी वाटर लाइन के नीचे की तरफ एक लाइन क्रिएट करूँगी ताकि मुझे अच्छा सा एक लुक मिले लोअर लैश पे। इस तरीके से ब्लू हेवन का मस्कारा मैं ब्लू हेवन का लाइनर है ये, थोड़ा सा मोटर लाइनर लगाऊंगी मैं और थोड़ा सा विंग्स भी क्रिएट करूंगी ताकि मुझे अच्छा एक लुक मिले, थोड़ा डिफरेंट लुक मुझे मिले। तो थोड़ा सा मैं विंग्स भी निकालूंगी लिक्विड लाइनर है थोड़ा सा, धीरे धीरे अच्छे से हमें अप्लाई करना है। इस तरीके से और कॉर्नर, इनर कॉर्नर पे भी मैं थोड़ा सा कॉर्नर बाहर की तरफ निकालूंगी, एक पॉइंट में बाहर की तरफ भी क्रिएट करूंगी। इस तरीके से थोड़ा सा कॉर्नर पॉइंट निकालूंगी मैं बाहर की तरफ इनर साइड में। मस्कारा यूज़ करूँगी ब्लू हेवन का मस्कारा है, आईलैशेस लगाने से पहले मैं मस्कारा भी यूज़ ज़रूर करती हूँ। और अब मैं फेक आईलैशेस लगाऊँगी। सॉरी थोड़ी सी वीडियो मेरी स्किप हो गई थी, थोड़ा मोटा काजल लगाया है और देख सकते हैं आप मेरा आई लुक। अब मैं कर रही हूँ पाउडर कंट्यूर, कंट्यूरिंग मुझे बहुत पसंद है फेस पर, कंट्यूरिंग नोज पर बहुत अच्छा लगता है कंट्यूरिंग करने से फेस, तो मैं कंट्यूरिंग ज़रूर करती हूँ। अपनी चिन की भी कंट्यूरिंग करेंगे ताकि अगर आपकी डबल चिन है तो वो नहीं आपको दिखाई देती है कंट्यूरिंग करने से, तो चिन पर ज़रूर कंट्यूरिंग करनी चाहिए। मिस रोज़ की पैलेट से मैं ब्लशर यूज़ करूँगी, कोरल शेड है, थोड़ा सा अच्छा शेड आता है इससे, बहुत अच्छा लगता है, तो ब्लशर अप्लाई करूँगी। हल्का सा नोज़ पर टच देना चाहिए ब्लशर का, बहुत अच्छा इससे हमारा लुक लगता है।
लिक्विड हाइलाइटर है स्विस ब्यूटी का, हाइलाइटिंग एरियाज पर मैं यूज़ करूँगी। और अपनी फिंगर से ही इसे अच्छे से मैं अच्छे से लगा लूँगी, मर्ज कर लूँगी, फैला लूँगी अपनी एरियाज पर इस तरीके से। आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। आईज़ की इनर कॉर्नर पर मैं थोड़ा सा वाइट शेड लगाऊंगी। और एक बार फिर से ब्रो बॉन पर मैं टच दूंगी, वाइट हाइलाइटर है। और सेम लिपस्टिक अप्लाई करूंगी मैं अपने लिप्स पर जिससे मैंने आई शेडो लगाई थी। बहुत ही अच्छा शेड है ये। पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है इसकी, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाती है और स्ट्रे रहती है, लॉन्ग लास्टिंग है। आप ये देख सकती हैं मेरा फाइनल लुक। तो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आईश मेकअप बहुत ही इजी है, बहुत इजी तरीके से मैंने बताया है और बीबी क्रीम से बहुत अच्छा बेस बना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं मैं आगे और वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर सजेस्ट करें कि किस चीज़ की आपकी वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।